सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मंजिल न मिले तब तक हिम्मत न हारो और न ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने न आज तक रास्ते में किसी से ये न पूछा कि समंदर कितना दूर है। आज का पंचांग 17 जनवरी 2021 दिन रविवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:08 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 7:43 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:39 से 5:59 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 1:16 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 17 जनवरी 2021 दिन रविवार, दादा या दादा के जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। अपने साथी और रिश्तेदारों के अनुभव और सलाह को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लें और सावधानी बरतें। किसी बड़ी खरीदारी के लिए यह समय अच्छा है, किंतु बिना कारण खर्च ना करें। अपनी मेहनत का आज आपको सुखद नतीजा प्राप्त होने वाला है। धन या आमदनी आपकी चिंता का विषय हो सकते हैं। आपको अपनी परियोजनाओं के लिए धन या निवेश की आवश्यकता होगी। बोलने से पहले शब्द इंसान के गुलाम होते हैं, किंतु बोलने के बाद इंसान अपने शब्दों का गुलाम बन जाता है। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने मित्रों व रिश्तेदारों के लिए अवश्य निकालें, इससे आपसे संबंध और मजबूत होंगे। घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। शारीरिक रूप से आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपनी रोजाना के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी किसी भी बात में प्रगति नजर न आना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है। जीवन में प्रगति पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बाकी भी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी मेहनत और विश्वास को कायम रखकर आगे बढ़ते रहें। सावधानियां, इस समय कोई अप्रिय समाचार मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भय अथवा अवसाद जैसी बातें आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकती है। कुछ समय आत्मचिंतन तथा आध्यात्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी भी परेशानी में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्य की सलाह अवश्य लें, निश्चिंत ही आपको उचित सलाह मिलेगी। प्रेम संबंधों में किसी तरह का मतभेद हो सकता है, अपने व्यवहार को संयमित रखें। आज का दिन लिव इन पार्टनर या परिवार के साथ मतभेद का है, जिसके कारण आप बेचैन हो सकती हैं। नया वातावरण आपको नए लोगों से मिलाएगा जो पूरा जीवन आपका सहयोग करेंगे। कानूनी समझौते या ट्राई अप की संभावना है। किसी करीबी मित्र से फिल्म देखने या घूमने का आमंत्रण मिल सकता है। आज आपका पूरा ध्यान जरूरी कामों पर है और आपकी सेहत के संतोषजनक परिणाम मिलने वाले भी हैं। मुसीबतों का डटकर सामना करें। अपने साथी की इच्छाओं का भी पूरा ख्याल रखें। बात करते हैं करियर की। यह समय अपने करियर में आगे बढ़ने या अपने व्यवसाय को विकसित करने का है, जिनमें आपके पार्टनर और करीबी साथी आपकी मदद कर सकते हैं। अपने अनुभव से आप
पत्थर को भी सोना बना सकते हैं। अभी आपके सितारे आपके साथ हैं, बस सब्र रखें और परिश्रम करते रहें। आज बहुत सारी चीजों या बातों को लेकर आप परेशान, लेकिन पैसा आपकी सबसे बड़ी चिंता का कारण बनेगी। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपनी योजनाओं पर अच्छे से काम करें। आप आज अकेले रहकर खुद के बारे में भी जानना चाहेंगे। याद रखें, विचार करने और काम करने के समय को अच्छे से व्यवस्थित करें। बात करते हैं सेहत की। अगर आपको आंख से संबंधित कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं। फिर भी अगर आपको आंख से देखने में कोई परेशानी है तो आज आप शरीर की जांच करा सकते हैं। आपकी आंख से संबंधित कोई परेशानी होने के संकेत है, इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा होगा आप पहले ही सावधान रहें। आज का उपाय, आज आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।